Hello students, in this session we will continue with exercise 8.1 question number 8. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A or not. See student, what we have given is 3 cot A is equal to 4. From this we can write cot A is equal to 4 by 3. अब पहले तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेट्स सी, दिस इज अवर ट्राइंगल. ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए जो है वो राइट एंगल होगा, सॉरी बी जो है वो राइट एंगल होगा. ए के लिए अगर हम कॉट ए का फॉर्मूला लिखे तो cot A will be like adjacent upon opposite, which is AB upon BC. AB upon BC. अब इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है 4 by 3. Let's say this is K. Now BC को यहाँ पे shift कर देंगे, 4 जो है वो नीचे shift कर देंगे. So AB upon 4 is equal to BC upon 3, and that is equal to K. Now, for solving this further, let us equalize this two and let us equalize this two. So, AB upon 4 is equal to K, BC upon 3 is equal to K. Now, ये 4 को यहाँ पे multiply कर देंगे, तो AB हमारा हो जाएगा 4K और BC हमारा हो जाएगा 3K. So AB is 4K and BC will be like 3K. Now 4K and this is 3K. अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to AB square plus BC square. AC square हमको find करना है. AB is 4K and BC is 3K. So 4K square, that will be like 16K square, and BC is 9K square. That can be like 25K square. So AC square is equal to 25K square. यहाँ पे इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट. सो एसी हमारा हो जाएगा 5 इंटू के. सो एसी विल बी लाइक 5 के ओवर हियर. अब हमें इक्वेशंस में टेन चाहिए, साइन चाहिए और कोस चाहिए, तो हम तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं. टेन ए, टेन मतलब ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो बी सी अपॉन ए बी, दैट विल बी लाइक बी सी अपॉन ए बी. अब बी सी है 3K, ए बी है 4K. K और K कट कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन 4. सो बी सी अपॉन ए बी विल बी लाइक 3 अपॉन 4. नाउ अब हमें और चाहिए साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो दैट इज ए बी अपॉन ए सी. ए के लिए ओपोजिट है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी. सो दैट इज बी सी अपॉन ए सी. नाउ बी सी का वैल्यू हमारे पास है 3K और ए सी जो है वो है 5K. सो दैट इज 3/5. एंड फाइनली कोस ए, कोस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो ए के लिए एडजेसेंट है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी. सो दिस इज ए बी अपॉन ए सी और ये हो जाएगा 4/5. गॉट इट? अब इन चीज़ों को हमें जो इक्वेशंस दिया है उसमें पुट करना है. नाउ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. 1 माइनस 10 यानी कि 3/4 स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 स्क्वायर. 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हमें करना है 9/16 और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हमें करना है 9/16. अब
यहाँ पे 1 लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दैट विल बी लाइक 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 1 इंटू 16 दैट इज 16, 1 इंटू 9 दैट इज 9, एंड 1 इंटू 16 दैट इज 16, 1 इंटू 16 इज 16, 1 इंटू 9 एंड 1 इंटू 16 अगेन, ये दोनों कट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7, और 16 प्लस 9 दैट इज 25. तो इसका LHS का आंसर है 7 अपॉन 25. अब RHS जो है वो क्या है, दैट विल बी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कोस मतलब कोस हमें मिला है 4/5, सो 4/5 का स्क्वायर, और साइन हमें मिला है 3/5, सो 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25 एंड दैट विल बी लाइक 7 अपॉन 25. सो LHS का आंसर 7 अपॉन 25, RHS का भी 7 अपॉन 25, therefore LHS इज इक्वल टू RHS. क्लियर?